जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज है डेट 25 अगस्त 2021 और हम लोगों ने रात को इधर बुल्ला की बस्ती में कैंपिंग की थी और मैं आपको ये छोटा मोटा अपने कैंप का टूर करवाता हूँ और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। रात को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और हम लोग सारी रात ठुर ठुर ही करते रहे और बार जब बाहर सूरज निकला मौसम बहुत ही प्यारा खुशगवार हो गया। और क्योंकि हम लोग इधर रात को पहुँचे थे, इन नज़ारों को मैं रात को तो नहीं देख सका पर दिन को सीन फिर कुछ ऐसे थे। लाइफ में पहली बार ऐसे खुले में फ्रेशअप कर रहा था, पर ऐसे खुले में फ्रेशअप करने का जो स्वाद है ना, इसकी क्या ही बात है। हाँ जी, तो नाश्ते में हमें जहाँ पे जो मिला था वो थी चना दाल, दाल माश थी, गर्मा गर्म पराठे थे और साथ ही गर्मा गर्म चाय थी। और ये जो आप लोग सामने छोटे छोटे घर देख रहे हैं इसको मुल्ला की बस्ती बोलते हैं, जो यहाँ पे लोकल से रहते हैं। और यह है कुछ मुल्ला की बस्ती के खूबसूरत से व्यूज़। नाश्ता वगैरह करके आपके भाई ने फिर एक दफ़ा फिर से कमर बांध ली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील दुधीपट सर लेक को एक्सप्लोर करने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जो हमारे गाइड थे वो जा रहे हैं और आसिफ जा रहा है, मौसम भाई हमारे साथ नहीं जा रही थी। और इधर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो हमारे गिवअवे के विनर्स होंगे उनको इस सैटरडे को मैं मैसेज सेंड कर दूंगा, उससे वो अपना जो है ना प्राइस रिसीव कर सकेंगे। ये मोरी जहर है, ये जहर है, है? ये घोड़े के लिए जहर होती है और इंसान के लिए, इंसान खाता ही नहीं है इसको। अच्छा, अगर किसी ने अपनी बीवी को देनी हो तो ये ले जाए गिफ्ट देने के लिए। ओके सही है। हाँ जी, तो मुल्ला की बस्ती से तकरीबन आधा घंटा आगे आए हैं, तो आप ये जगह देख सकते हैं कैसी जगह मिली हमें। यार आप जरा चेक करें, ये है हमारा पाकिस्तान, देखिए आप जरा इस जगह को। मैं आज से पहले कभी दुधीपत का ट्रैक ना कभी किया था ना इससे पहले कभी मैंने हाइकिंग की थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बहरहाल इतना का मज़ा आ रहा है इस ट्रैक के ऊपर। अभी शुरू शुरू में पता है आपको थोड़ी सी मुश्किलात तो होती हैं, अगर आप कहीं पर भी जाते हो आपको शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात तो मिलती हैं, पर यह है कि उस मुश्किल के बाद फिर सीन कुछ ऐसे होते हैं। ज़रा आप जरा चेक कीजिए, हैं जगह ज़बरदस्त है मेरा भाई, इससे खूबसूरत जगह मैंने अभी तक नहीं देखी है, नहीं देखी है, बहुत गहरा। हाँ थोड़ा सा ये जो ना तंग करते हैं, छोटे 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 बच्चे हैं ये, पर बहुत बहुत साथ देने वाले हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं। तीन तीन शादी, ये जो आप सामने घोड़े वाला बच्चा देख रहे हैं ना, कितनी है जो तुम्हारी? है 35 साल है, लगता तुम 16 साल का यार। है लगता नहीं, बारह, ये अच्छा है, ये चश्मों का पानी पी पी के तू 35 साल से लगता है 16 साल का है। सही बात है, ये देखो ये मेरा घोड़ा है, तो ये मैं हूँ, तो अभी जेल पे हम जा रहे हैं। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा डायलॉग मारा है तुम्हें, ये लगता है कहाँ से सुना तुमने ये डायलॉग? ये डायलॉग मैंने कराची से, कराची से सुना है। ये कराची का नहीं, एक लड़की थी उसने डायलॉग मारा था, ये आई थी ना, आई थी इधर वो। सही, जबरदस्त यार, वाह, जन्नत कितनी खूबसूरत होगी इसे आप इमेजिन कर सकते हो यार, कि ये देखे ये अल्लाह की बनाई हुई जमीन और हमारा पाकिस्तान, ये कितना खूबसूरत है और जन्नत कितनी खूबसूरत हो सकती है आप खुद देख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ के थोड़े से ड्रोन शॉट और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो यार प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो ना यार, दोस्तों के साथ इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हैं, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये तो मेरे टूर का भी स्टार्ट है, तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपको इस तरह की पाकिस्तान की और खूबसूरत सी जगह दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को यार सपोर्ट कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। Thank you.
मुझे एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस था, वो ये था कि मेरा जो दोस्त था मोजिम वो इस जगह पे नहीं आ सका, क्योंकि घोड़े पे कंफर्टेबल ना होने की वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो कैंप में ही रहेगा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। और इतनी दूर इतनी मशक्क़त करके इतना हार्ड ट्रैक करने के बावजूद वो इतनी खूबसूरत जगह को नहीं देख सका, इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस था। और अगर आप इस जगह को रेट करना चाहो तो 1/10 आप इस जगह को क्या रेट करोगे, मुझे कमेंट में आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। जी अभी बिल्कुल अभी दूधीपत के पास पास पहुंच चुके हैं, नज़ारे इतने खूबसूरत हो गए हैं यार, रूह को ताज़ा कर दिया इसमें एक दफ़ा, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मस्ट रिकमेंडेशन करता हूँ जिनको नेचर से प्यार है, जिनको खूबसूरती से प्यार है ना, इस जगह पर एक दफ़ा ज़रूर आइए और आके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। दुनिया में जन्नत देखना चाहते हो तो आ जाओ इतनी बार, सही बात है, अगर दुनिया में जन्नत देखना चाहते हो तो इससे बड़ी खूबसूरती मैंने आज तक, मैंने बहुत ट्रैवल किया पर इससे बड़ी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी। वाह जी वाह, माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। और जब ये सील की फर्स्ट लुक को मैंने देखा और इसका सराउंडिंग एरिया इर्द गिर्द के एरिया को मैंने जब देखा तो मेरे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो चुके थे, मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ। ट्रस्ट मी दोस्तों, इससे खूबसूरत लेक मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं कभी देखी, मैं दुनिया में बहुत सी जगह घूमा हूँ पर इससे खूबसूरत लेक मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अगर आप इससे खूबसूरत की जगह जानते हैं तो प्लीज़ मुझे रेकमेंड ज़रूर करें, मैं उसको ज़रूर देखना चाहूँगा। अभी इधर थोड़ा सा हैपन हुआ, ये बेचारे यहाँ पे भाई आए हुए थे तो उनको जो है लूट के ले गए। यार इस तरह की जगह पे बंदा कैसे आएगा नेक्स्ट टाइम, कभी आएगा नहीं इस तरह की जगह पे, तो कोई भी नहीं आएगा। अगर ये सिस्टम करेंगे तो यहाँ के लोकल रोज़गार है उनका भी जो है रोज़गार जाता रहेगा। ये तो बहुत बुरा काम है, ये तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए, इस तरह की खूबसूरत जगह यार उस इधर भी आके ये इस तरह के काम होते हैं यार। उन दोस्तों के मुताबिक इस पहाड़ के ऊपर से 5 बंदे आए विद असले के साथ में और इनको लूट के ले गए। आप लोग देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे फायरिंग भी की थी, उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारे पाँव के ऊपर फायर वगैरह किए, हमसे मोबाइल हमसे कैश हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ हमारे से लूट के ले गए। तो बहरहाल यार मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया इस जगह को देख के, इसलिए इसके बाद मैं लेक के ऊपर भी नहीं गया क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था मेरे पास भी, तो यहाँ से फिर एज़ सून एज़ पॉसिबल मैंने यही सोचा कि यहाँ से वापस जाया जाए। ये चीज़ देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। नो डाउट इससे खूबसूरत जगह मैंने ज़िंदगी में आज तक अभी नहीं देखी थी, पर यहाँ पे आना रिस्क है। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो मत आइएगा, अनलेस आपके पास कोई अपने लिए कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चीज़ है तो फिर आप आ सकते हैं। और फिर इस हैपन के होने के बाद हमारे गाइडों ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये वही कोहिस्तानी डकैत है जो चलास और बाबूसर टॉप के रास्ते में लोगों को लूटा करते हैं और कुछ को तो उन्होंने रास्ते में मार भी डाला था लूट के। और हमें यह भी बताया कि जो दूधी पत्थर लेक के पहाड़ों के पीछे का जितना भी एरिया है वो इन्हीं कोहिस्तानी डकैतों का एरिया है। और ये वो मेरे दोस्त थे जिनके साथ ये हैपन हुआ था, बेचारे इतनी दूर इतना मुश्किल ट्रैक करके आए और इनके हाथ कुछ ना लगा, कैमरेज मोबाइल पैसे सब कुछ इनसे लूट लिया गया और इधर से अभी हाली हाथ वापस जा रहे हैं। और मेरी आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरे इन भाइयों तक ये वीडियो पहुँच सके। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये भाई ये वीडियो देख सकें।
और कितने अफसोस की बात है कि क्या ये मेरे भाई सोच के इस जगह पर आए थे और क्या यहाँ से लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए, आमीन। और वैसे तो मेरा इरादा था यहाँ पे एक आधा दिन और रुकने के लिए ना, इतनी खूबसूरत जगह को देखकर मैंने ये सोचा था कि एक आधा दिन यहाँ पे रुकूँगा, पर इस हैपन के होने के बाद यही सोचा कि यहाँ से जो है ना एज सून एज पॉसिबल निकला जाए, और हम लोगों ने भी फिर अपनी वापसी जाने की तैयारी शुरू कर दी। टाइम तकरीबन ढाई बज गए अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे मौला की बस्ती से अभी जा रही है, देख सकते हैं टाइम क्या नज़र आ रहा होगा। तो अभी बस ये सामान वगैरह बंद है, तो देखते हैं इंशाल्लाह कब तक वापसी होती है। फिर वही कल वाला ट्रैक आ गया, आगे से तो काफ़ी टफ है, तो वह अल्लाह करे जो खैर रही से वहाँ पर पहुँच जाए। तो हाँ जी, तो सामान वगैरह को लोड कर लिया हम लोगों ने घोड़ों पर, तो अभी अल्लाह का नाम लेकर हम निकल रहे हैं वापसी की तरफ। ये जो आप जितना भी रास्ता भी देख रहे हैं ये मैंने जाते हुए रात को किया था। तो चलिए जाते जाते रास्ते के कुछ खूबसूरत से आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। सफ़र तय हो गया अल्लाह के शुक्र से, तो तकरीबन आधा रह गया पीछे, तो बस इंशाल्लाह ताला उम्मीद है तकरीबन डेढ़ दो घंटे तक पहुंच जाएंगे अपनी गाड़ी मंजिल मकसूद का, जहाँ पे हमारी गाड़ी भी खड़ी है, चलखट बोलते हैं उसको। तो इस जगह को मिडल ऑफ कह सकते हो दुधीबाद का, ये हम मिडल में खड़े हैं इस टाइम। बहुत प्यारी जगह ये भी आप देख सकते हो, सबसे प्यारी जगह ये जहाँ पर हम रह रहे हैं, पाकिस्तान का फ्लैग लगा रहे हैं। तो आज का प्लान भी यही लग रहा है कि आज भी जो है ना इंशाल्लाह ताला इधर ही कगान वादी कगान में रुकेंगे, यहीं जलखट या कहीं उसके आसपास ही, तो फिर कल इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रवाना होंगे। और यहाँ से जाते जाते मेरी यही कोशिश थी कि मैं यहाँ से जितनी ज़्यादा इसकी यादें यहाँ से इकट्ठी कर सकूँ, जितनी यादें अपने माइंड में बिठा सकूँ, जितनी इस खूबसूरती को अपने दिमाग में कैच कर सकूँ वो कर लूँ, क्योंकि शायद ही इसके बाद मैं कभी यहाँ पे आऊँगा। जगह तो ये ऐसी थी कि दिल करता था कि यहाँ पर बार बार आए, पर ये जब तक ये टिकटों का मसला यहाँ पर चलता रहेगा तब तक तो शायद ही मैं कभी यहाँ पर वापस आऊँगा। पर बिलफर्ज अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा एक्शन लेती है इस जगह को टिकटों से साफ करने के लिए, तो फिर तो 100% ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे बार बार आया जाए। वैसे हॉर्स राइडिंग का जो मज़ा है ना सही, अगर आपने तजर्बा करना है ना तो फिर ये नहीं कि 5-10 मिनट की हॉर्स राइडिंग करके बोलोगे यार कुछ भी नहीं है। अगर हॉर्स राइडिंग करने का मज़ा लेना है ना तो जैसे मैंने की है ना हाइकिंग तो नहीं है, जैसे जो बर्दरी में जिसको नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, पर अगर आपने हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेना है तो एटलीस्ट कोई 7-8 घंटे का ट्रैक करें इसके ऊपर, तो आपको पता चलेगा, और फिर पता चलेगा जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही है। सबसे बेहतरीन चीज़ है ये हॉर्स ट्रैवलिंग के लिए, क्या बात है इसकी, वाह मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है ट्रैक का, जाने में भी आने में भी। मैं दोनों साइड पे हॉर्स पे गया था,
और क्या नाम है शहजादी का? समन। शहजादी क्या बात है इसकी यार, ये बहुत अच्छी चीज है यार, क्या बात है समन की। इसका नाम है समन और ये गोड़ी है और इसने इस जैसे हैवी इंसान का वेट ऐसे बर्दाश्त किया कि जैसे कोई बच्चा होता है। शाबाश समन, आई लव यू समन। नहीं कोई तेरे जैसी घोड़ी कोई भी इस दुनिया में, बस ऐसा बचा के ले जा बस इस जगह तो। ध्यान दे ना मेरी जान, परेशान ना हुई हूँ इतने। शाबाश 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 शाबाश। वो कहते हैं ना किस्मत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। अल्लाह के लाख लाख शुक्र से ये जो मुझे घोड़ी मिली थी ना, इतनी की ट्रेंड है, इतनी की ट्रेंड है, मैं आपको बता नहीं सकता। कसम से इसने ऐसे ऐसे रास्ते निकाले जहाँ से एकदम मैं सोचता था ना मेरी जान निकल जाती है, ऐसे ऐसे रास्तों से ये निकाली और इसने ऐसा ऐसा कमाल का रास्ता लिया, मैं आपको बता नहीं सकता। वीडियोस देखिएगा, वीडियोस में आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या चीज़ है यार। हाँ जी, हैरोफ्रियो से हम चले भी गए थे और हैरोफ्रियो से वापस भी आ गए, पर जो है ना वहाँ पर कुछ भाइयों के साथ ज्यादती भी होगी, उनको जो ना उन्होंने डाकू ने लूट लिया, उनके मोबाइल भी छीन लिए, सारा कुछ ले लिया सामान। क्या मेरा मतलब, अल्लाह ने उनको जान बचा दी, वो अल्लाह से जान बचा, लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल मोबाइल और था जाएंगे, पैसे की कोई बात नहीं है। हाँ सही बात है, बस उनकी जान बच गई अल्लाह का, ये बहुत लाख लाख शुक्र है। ये छोटा भी यही बोल रहा है। बस अभी हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, करीबन 6:40 हुए हैं, तो आते हुए हम जो ना जल्दी आ गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिसने हैरोफ्रियो से हमें लेके गया, हैरोफ्रियो से हमें वापस लेके आया। तो चले मेरे कुछ और मेरे बाकी दोस्त अभी पीछे हैं, तो उनके लिए मुझे भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चले अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, अब तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।